हेलो बॉयज, हमने कल तक तीन प्रकार से न्यूमेरिकल सॉल्व करना पढ़ लिया है। एक तो के पता होने के बाद हमने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, अगर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल सकते हैं तो के बी से हम हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे। उसके बाद उसके हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद उसका पीएच निकालना हम पढ़ चुके हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी हमने कल पढ़ लिया था। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का पीएच कैसे निकाला जाएगा, इसके दो एग्जांपल हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब बचा हुआ जो पार्ट है उसमें बहुत सारा है, लेकिन हम उसमें शॉर्ट में ले रहे हैं कि अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और आपको उसका पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसका पीकेए वैल्यू, पीकेए इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द के, मतलब अब अल्फा की वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन आपके पास होने के बाद आपको क्या क्या करना है। पहले तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद पीएच आपको कैलकुलेट करनी है, फिर वही अल्फा और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन के में यूज करना है और के निकालकर उसका निगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू निकाल के आपको उसका पीके कैलकुलेशन करके देना है। So see, this is a simple numerical. The degree of dissociation of a 0.1 molar bromoacetic acid CH2BrCOOH, एक हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस कार्बन ये ब्रोमीन से रिप्लेस हो चुका है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सोल्यूशन एंड पीकेए वैल्यू ऑफ दिस। नाउ व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन, डिग्री ऑफ हमने पढ़ लिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमको पता है तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ये अल्फा इंटू सी हो जाता है। बहुत पहले देखा है हमने ये, जैसे डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिस को हमने लिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था, तब ये हमने उसको वन बाय वन एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेने के बाद उसका एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमने निकाला था सी इंटू वन माइनस अल्फा, और जो फॉर्मूला आया था उसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलता है अल्फा इंटू सी से। सो व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन, अल्फा हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कैलकुलेटेड बाय दिस प्रोसेस। सो इट इज सिंपल, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.132 एंड इट इज 0.1 कॉन्सेंट्रेशन, सो इट विल बी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.0132 मोलर। अब एक ऐसे भी पूछा जाता है कि अनायन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई, फिर तो नेचुरली डिसोसिएशन के बाद कैटायन और अनायन इक्वल नंबर से फॉर्म हो जाते हैं, सो अनायन का भी कॉन्सेंट्रेशन आपको इसमें बताते आ सकता है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन से आपको पीएच निकालनी आती है, ये पीएच कैलकुलेट करके देखिएगा आप। अब मुझे ये पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ये आप फॉलो करिएगा। इसका पीएच आता है 1.8794, लॉग टेबल का यूज कीजिए और इसका पीएच वैल्यू निकला 1.8794। नाउ जिस न्यूमेरिकल को मैंने जिस बुक से लिया गया है उनका शायद ये कैलकुलेशन गलत है, इसलिए उनका आंसर बुक में अगर आप देखोगे, ये स्टेट बोर्ड के बुक से नहीं है। सो टू कैलकुलेट द पीके वी हैव टू फाइंड आउट द के फर्स्ट। अब के का क्या होता है, के आपने निकाल के रखा है कि के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन वन माइनस अल्फा। अब वन माइनस अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पे ले ली, अल्फा की वैल्यू है 0.132 इंटू 0.1 माइनस वन माइनस 0.132। मैंने कल तीन बार कैलकुलेट करके देखा है क्योंकि बुक का वैल्यू डिफर कर रहा था, सो कहीं मेरे से मिस्टेक हुई होगी तो आप उसको करेक्ट करके देखिएगा, क्योंकि मैंने तीन बार कैलकुलेट करने के बाद मेरा आंसर यही आया था। सो नाउ डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू
टू डिजिट, सो इट इज 10^-2। नाउ ये के की वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद उसका पीकेए मिल जाता है, इसका निगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ के की वैल्यू मैंने ले ली तो इसका पीकेए निकल जाता है 1.6968। ऑल राइट, नेचुरली फाइव डिजिट में आया है तो मैंने वो कैलकुलेटर से किया होगा। सो नाउ ये एक न्यूमेरिकल आपके बुक में इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है। हाँ, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो क्या करना है, यहां इसको चेंज कर दीजिएगा, 0.01 है, 0.01 है, 0.01 लेके देखिएगा, 0.001 लेके देखिएगा। न्यूमेरिकल तो आपने बनते चले जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नेक्स्ट, अब यहां पे जो न्यूमेरिकल आपके लिए लिख कर रखा है मैंने टू सेव द टाइम, इसमें आपको पीएच वैल्यू देने के बाद, पीएच वैल्यू अगर आपको दे दी गई है तो आपको उसका हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते आएगा। यह कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है, हमको उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा कैसे जाना पड़ेगा कि पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है। अब यहां पे अगर ये 4 होता तो आपको तो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया होता, H3O1+(10^-4) हो जाता वो, क्योंकि हमने ये ट्रिक देख ली थी। अब ऐसे नहीं है ना, 4.5 का आंसर कैसे मिलेगा आपको, सो इसलिए इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो क्या करेंगे आप इसको लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी माइनस पीएच, ये क्या हो जाएगा, माइनस पीएच बन जाएगा। सो लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन यू विल गेट, दैट विल बी माइनस 4.5। अब बोथ साइड एंटीलॉग अगर लेते हैं, एंटीलॉग ऑफ लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ माइनस 4.5। सो ये तो हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, एंटीलॉग ऑफ लॉग हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब एंटीलॉग निकालने के लिए हमारा प्रॉब्लम क्या है ये आप अब देख लीजिएगा। आपके एंटीलॉगरिथमिक टेबल में ये माइनस 4.5 ये फिगर इस तरह से लिखी जाती है ना, ये तो हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक तो आप निगेटिव ले सकते हैं, 10^-5 हो जाएगा ये एंटीलॉग वैल्यू देखने के बाद। लेकिन आपके एंटीलॉगरिथमिक टेबल में ये एंटीसा जो होता है ये कहीं निगेटिव नहीं दिया गया है। अब निगेटिव का वैल्यू अगर एंटीलॉगरिथमिक नहीं देख पाते हैं हम, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करोगे आप उसको, चलो ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, मैं इसको 1.5 कर लेता हूं। ठीक है, ये 1.5 ले लिया मैंने यहां पे, चलिए ये 1.5 कर लेते हैं तो ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सो ये 1.5 ये निगेटिव वैल्यू है। सो आप क्या करें इसमें, आप इसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करें जो कि इसमें -1 और +1 को आप जोड़ दें। डू यू अंडरस्टैंड दिस, हमने कुछ नहीं किया, फिगर कोई चेंज नहीं की, लेकिन अब इसका एंटीलॉग आता है, एंटीलॉग ये हो गया -5+ ये हो गया 0.85। चलिए आपका मैंटिसा पॉजिटिव बन गया। ठीक है, सो ऐसे करने के बाद अब इसका एंटीलॉग वैल्यू जो आएगा, तो एंटीलॉग वैल्यू देखने के बाद ये तो -5 चले जाएगा 10^-5, और मैं इसका वैल्यू निकाल के रख चुका हूं, 0.85 का एंटीलॉगरिथमिक वैल्यू है 7.079। सो आपको हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिल गया।
ठीक है। सो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन मिलने के बाद आप इसका अब हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हो। ओके फिर अभी आपने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। सो इसके बाद और एक टाइप बचता है हमारा, और वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी में डाल देता है, और ऐसा न्यूमेरिकल मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैंने वहां बताया था आपको कि एक पीएच स्केल जो होती है, तो इधर 0 to 7 यह एसिडिक होता है, और ये 7 to 14 ये बेसिक नेचर के सॉल्यूशंस होते हैं। और जब हम देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, समझ लीजिए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻¹¹। अब आपको यह पता है कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 10⁻¹ हो जाता है। नेचुरली इसका पीएच हो गया 10। इसका पीएच अगर 10 हो गया तो ये 7, 8, 9 और 10 यहां कहीं मिलेगा। अरे बाबा, ये सॉल्यूशन अगर एसिड का होगा और इसमें हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इतने आएंगे तो ये नेचर तो उसका बदल नहीं जाएगा, एसिडिक का बेसिक तो नहीं होगा। सो ऐसे एक न्यूमेरिकल को हम कैलकुलेट करते हैं। समझ लीजिएगा हमने एक HCl सॉल्यूशन लिया है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ HCl जिसकी मोलैरिटी ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ HCl इज 1 × 10⁻¹⁸ मोलर है। सो व्हाट इज द पीएच? अब आप ये देखते हैं कि वाटर जो होता है, इस वाटर में भी ये हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ये 1 × 10⁻¹⁷ मोल्स पर डीएम क्यूब होता है, और इसमें तो 1 × 10⁻¹⁸ मोलर है। नेचुरली जो उसका मीडियम है, जिस मीडियम में उसको लिया है, उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एसिड से। देयरफॉर यू हैव टू एड दीज टू कॉन्सेंट्रेशंस गेदर। सो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम एसिड कितना आ जाएगा? HCl का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, यह भी बताना पड़ेगा आपको, नहीं, इक्वल्स टू 1 × 10⁻¹⁸ मोलर। एंड हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन दैट फ्रॉम वॉटर इटसेल्फ इसमें होता है 1 × 10⁻¹⁷ मोल्स पर डीएम क्यूब। ऑलराइट, अब ये दोनों उसमें है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा है, एंड देयरफॉर टोटल हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है। टोटल हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल के देखिए कितना होता है। इट इज 1 × 10⁻¹⁷ प्लस 1 × 10⁻¹⁸। नेचुरली आपको ये इसमें बदलना पड़ेगा। सो नेचुरली 1 × 10⁻¹⁷ प्लस 0.1 × 10⁻¹⁷ बन जाएगा ये, राइट? ऑलराइट, सो ये क्या हो जाएगा? इट इज 1.1 × 10⁻¹⁷। ठीक है, ये हो गया उसका टोटल हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, ये समझ में आ गई बात? ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको अगर मिल गया है तो पीएच आप निकाल नहीं पाओगे। सो क्या बन जाएगी पीएच? नाउ पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, पीएच इक्वल्स टू निगेटिव लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन।
So naturally, it is minus log of 1.1 into 10 to the power minus 7, and that will be now minus 7. यहाँ कल के वीडियो में थोड़ा मिस्टेक हो चुका था इसके बाद वाली स्टेप में. सो प्लस इट इज लॉग ऑफ 1.1. सो इसका आंसर क्या आता है देखिएगा. हाँ, इट इज माइनस ऑफ माइनस 7 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ 1.1. लॉग ऑफ 1.1 कितना आता है? लॉग ऑफ 1.1 आता है 0.0414. मेरे पास वैल्यू मिट्टी रखी थी. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा? यहां मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक करके रखा था. 7 ये माइनस है, प्लस है, तो यहां भी मैंने प्लस लिखा था, उसको गलती से लिखा गया था, वो माइनस 0.0414. तो क्या आप इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे? कितना आएगा ये? इट इज 6, 8 ना, 5 आएगा. क्या आएगा, क्या आएगा? 7.000, सो इट इज 0.414. सो ये 6, 8, 5, हाँ कितना, 9, 6.9586. ऑल राइट, सो चेक कर लीजिएगा. ऑल राइट, अब यस, 10 to 10 minus 4, 6. 10 minus 2, 8. 10 minus 5, 5. Carry is given. 10 minus 9. So 6, 9, 5, 8, 6. अब आप क्या करोगे? अब होमवर्क में आपको इसको चेंज करते चलना है. 10 to the power minus 9 करिएगा. ठीक है? So ध्यान रखिएगा, अगर pH वैल्यू देने के बाद हमें यह ध्यान में आता है कि pH वैल्यू भाई एसिड सॉल्यूशन है, फिर भी इसका बेसिक रेंज में जा रहा है. वो हम अगर वो लर्न करके रखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है. सो ऐसे समय उसमें वाटर से जो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन मिलते हैं उसको ऐड करना होता है. सो सी यू टुमारो एंड वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. थैंक यू.